नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, यानी कि हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू। आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कभी ना कभी आपने अपनी लाइफ में फेस किया होगा रिग्रेट को, या फिर लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आप गिल्ट फील करते हो, आपको लगता है कि आपकी औकात कम है, या फिर लोग आपको इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। आप जब किसी से मिलते हो, आपको इग्नोर मारता है, तो आपको लगता है यार कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी है, या फिर आपको खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी वैल्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। तो खुद की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ताकि लोग आपको इग्नोर ना करें, ताकि लोग आपको देख के अनदेखा ना करें, ताकि आपको लोग ये फील ना कराएं कि यार तेरी औकात जीरो है, तेरी औकात मतलब नील बटा सन्नाटा है, ऐसा ना हो। तो इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह होती है यार कि हम सब इस चीज़ में लगे रहते हैं ना कि लोगों की नज़र में हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। लोग यार, लोग मतलब चूतियाँ हैं, लोग कल को भी मतलब आपको पागल समझते थे जब आप कुछ भी नहीं थे, आज आपने बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, तभी लोग आपको पागल समझेंगे। तो लोगों के चक्कर मत रहो, अगर आप लोगों के चक्कर में रहोगे, पब्लिक के चक्कर में रहोगे, उनको खुश करने के चक्कर में रहोगे, देन आप अपनी वैल्यू कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे, और क्रिएट कर भी पाओगे तभी लोगों को भी भरोसा नहीं है, वो डिपेंडेंट चीज़ें नहीं हैं, समझ रहे हो आप। मान लो आपने अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया, आप बहुत कुछ हो अपनी लाइफ में, लेकिन वैसे लोग रहेंगे, देयर विल बी सम पीपल जो आपको इग्नोर करेंगे, जो आपको हेट करेंगे, जो आपसे मतलब नहीं रखेंगे, जो आपको देख के भी अनदेखा कर देंगे कि यार तू है कौन, या फिर तू पागल ही है, समझ रहे हो आप। तो लोगों की नज़र में आप कल को भी पागल रहोगे, आने वाले कल में भी पागल रहोगे। तो फिर लोगों के चक्कर से बाहर निकलो, और अपना पर्पज ये रखो कि मुझे खुद की नज़र में अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, खुद की नज़र में मेरे को एक अच्छा इंसान बनना है, एक वैल्यूएबल पर्सन बनना है। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके लिए देखो तीन चीज़ें डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है यार। पहला यार, वैल्यू क्या है, खुद की वैल्यू क्या है। खुद की वैल्यू इसलिए ज़रूरी है ताकि आप जब बात करो किसी से या किसी से मिलो, तो कोई आपको इग्नोर ना करे, कोई आपको देख के अनदेखा ना कर दे कि यार आप गए मिलने के लिए। अगर जैसे मान लो मैं जाता हूँ किसी से मिलने के लिए यार, कि और दोस्त क्या, तो कोई देख रहा है, देख के भी अनदेखा कर दे रहा है, या फिर कोई मिल रहा है, मिल के भी यार पूछ नहीं रहा है कि और भाई क्या हाल चाल है, कैसे हो, कुछ भी नहीं। सो द पीपल आर जस्ट इग्नोरिंग यू ऑन योर फेस, वो इग्नोर मार रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं यार, तेरे से क्या मतलब, तू निकल ले यार, तू मतलब कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है आपको। फिर आपको लगता है यार मुझे कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत है लाइफ में, ठीक है। तो यह है आपका डेफिनेशन, यह है कि आप खुद को जब आप इम्प्रूव करोगे, खुद की काबिलियत को बनाओगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मायने में बहुत मायने रखती है। अब इसके बाद करते हैं खुद की वैल्यू को इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी है। अगर आज की लाइफ में अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ा रहे हो, तो आप वही सेम पर्सन हो, जो कल को आनंद था वही आज को आनंद है, वही परसों का रहेगा, देन नो वन इज गोना लाइक मी, मतलब नॉट इन दैट वे, लेकिन मुझे अपने आप को मतलब अपनी लाइफ को, लाइफ में प्रोग्रेस करना पड़ेगा, खुद को एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा, खुद को एक बेटर इंसान बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं एक वैल्यू क्रिएट कर पाऊंगा और एक वैल्यूएबल पर्सन बन पाऊंगा। अब कैसे इम्प्रूव करें, इम्प्रूव करने के बहुत सारे रास्ते हैं, वैल्यू बढ़ाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अब तीन चार रास्तों के ऊपर बेसिकली बात करेंगे, और दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, एक इनर वैल्यूज़ एंड दी अदर वन इज़ आउटर वैल्यूज़। अब देखिए, इन दोनों से पहले बात करना चाहता हूँ मैं कि डोंट बी टू अवेलेबल, आप ज़्यादा अवेलेबल मत रहो लोगों के लिए। अगर आप ज़्यादा अवेलेबल रहोगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कॉलिंग पे लोगों के लिए, देन कोई आपको कोई वैल्यू नहीं देगा, राइट। लोग यही समझेंगे ये तो है ही है, या फिर आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, अगर कोई मैसेज कर रहा है, कोई यू जस्ट मतलब आप करे ही जा रहे हो, कॉल कोई कर रहा है, आप करे ही जा रहे हो, तो आपकी वैल्यू ना सामने वाले इंसान को कभी रियलाइज़ नहीं होगी, आपकी कभी अहमियत रियलाइज़ नहीं होगी कि यार इसकी भी ना अहमियत है, इसकी भी ना काबिलियत है। वो सोचेंगे यार ये तो है ही अवेला, इसको कुछ काम थोड़ी है। सो द पीपल आर गोना बी कि यार छोड़ना है इसको, हटाना यार, क्या करना है ये चीज़। तो डोंट बी टू अवेलेबल फॉर द पीपल, ज़्यादा अवेलेबल रहोगे तो खुद की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ये बात सच्चाई है दोस्त, मानो या मत मानो। अब देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपको क्या लगता है जैसे जो नेता लोग होते हैं कोई स्पीच देने के लिए आते हैं, वो क्या केवल आधे घंटे के लिए उनके पास टाइम होता है, टाइम उनके पास भी होता है, जैसे आपके पास टाइम है बहुत सारा, उनके पास भी टाइम है बहुत सारा, बट वो ये शो करते हैं, वो एक रिप्रेजेंट करते हैं कि यार आई एम अ वैल्यूएबल पर्सन और मेरे पास कम टाइम है। सो आपको भी ये चीज़ करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में कि यार ज़्यादा अगर आप अवेलेबल रहते हो दूसरों के लिए, हमेशा मतलब आप खाली हो कि यार आई एम अवेलेबल फॉर यू, नो वन इज़ गोना बी अवेलेबल फॉर यू देन, तो इतना ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। दूसरी चीज़,
सेल्फ रेस्पेक्ट मैटर करती है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं कर सकते, नो वन इज गोना गिव अ डैम अबाउट यू, तो खुद की इज्जत करना स्टार्ट करो, खुद की रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करो। डेस्परेट मत हो लाइफ में किसी भी चीज को लेके। अगर आप एक लड़के हो तो लड़की को लेके डेस्परेट मत हो, कैसे भी करके मेरी लड़की चाहिए, लड़की पटा लूँ, कैसे कर लूँ, कैसे कर लूँ। पट भी जाएगी तो वो कल को छोड़ के चली जाएगी, बिकॉज यू आर डेस्परेट अबाउट इट। और आपको आपके मन में एक डर रहेगा। आपने मान लो जॉब पकड़ ली, मान लो मैंने जॉब पकड़ ली, अब मेरे को मेरा बॉस सुना रहा है, कोई टीम लीडर सुना रहा है, कोई ये सुना रहा है, अब मेरे मन में डेस्परेशन है तो मैं कहीं ना कहीं डरा हुआ रहूंगा, अरे अरे नौकरी चली ना जाए। अब अगर मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर वैल्यू है, मेरे अंदर वैल्यूएबल चीज़ें हैं, तो भला यार भले ही निकाल दें, 10 जॉब मिल जाएगी मेरे को। तो ये चीज़, अगर खुद की वैल्यू आप क्रिएट करते हो, एक वैल्यूएबल पर्सन हो, यू आर गोना रॉक। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ यार, वैल्यूएबल के बाद डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ इमेज रियली मैटर्स इन योर लाइफ। तो आपके नज़र में आपकी वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है, अपने आप को आप क्या समझते हो। अगर मान लो मैं कुछ भी हूँ, मैं कल को एक नॉर्मल सा बंदा था, जो कि मैं सोचता था कि बीटेक में मेरे को 25-30 हज़ार रुपये कमाना है, अब मैं कमा रहा हूँ उससे ज़्यादा, बट फिर ग्रो कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर मुझे लगे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँगा, मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊँगा। सो डे टू डे रिमेंबर योर सेल्फ कि यार आप कुछ ना कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने कुछ कुछ नया कर रहे हो अपनी लाइफ में, राइट। अगर अपने आपको आप याद नहीं दिलाओगे, अपने आपको रिमेंबर नहीं कराओगे, तो आपको ये लगेगा कि यार एवरी वन इज मेकिंग प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, और मैं हूँ एक ऐसा इंसान जो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ अपने घर में और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको इनर वैल्यूज़ और आउटर वैल्यूज़। आउटर वैल्यूज़ की बात करते हैं, यानी कि जो बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया में सबसे बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, वो है पैसा। ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इनफ पैसा कमा रहे हो। आज नहीं, यू आर वर्किंग ऑन इट कि आप आगे चल के पैसा कमा सको। तो आप दो तीन वेज ढूंढो, दो तीन तरीके ढूंढो, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढो कि आप जिससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर घर में मम्मी की तबीयत खराब होगी, या फिर आपकी बहन को पढ़ने जाना है, या फिर आपके भाई को पढ़ने जाना है, या फिर आपको आपका जो आपके फादर हैं वो अगर हॉस्पिटल में हैं, तो फिर वहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी यार। यू कांट जस्ट से कि यार पैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, या फिर पैसे की इंपॉर्टेंस लाइफ में नहीं होती है। जब ज़रूरत पड़ती है ना, तब आपको जाके रियलाइज़ होता है, जब भूख लगती है ना, तब जाके रियलाइज़ होता है कि यार पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पैसे को अपना बाप मत बनाओ, लेकिन इतना ज़रूर कमा लो कि यार आपको ज़रूरत पड़ने पे किसी के सामने भीख मांगने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी चीज़ें हैं यार, फिजिकली अपने आप को ग्रो करो, अपनी वैल्यूज़ इंप्रूव करो। जैसे अब मैं भी खाता पीता हूँ, बट मेरी बॉडी में लगती नहीं है चीज़ें। ठीक है, तो बस लोग यही कहते हैं कि यार अब तुमने सारे तरीके अपना लिए, बस शादी करके देखो एक बार। सो आई गिव इट अ ट्राई एज वेल कि शादी करने के बाद मतलब मैं मोटा वोटा होता हूँ या नहीं, लोग कहते हैं ऐसा। और बहुत सारे तरीके हैं, आप सोशली लोगों से इंगेज करना स्टार्ट करो, लोगों से बातें करना स्टार्ट करो। आजकल देखते हो लोग सब ना बिजी हैं अपने फ़ोन में। सो मैं मेट्रो से आ रहा था, तो पूरी रो जो लाइन थी वो सब अपने मोबाइल में लगे हुए थे। सो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग देम कि सारे मोबाइल, मतलब एक कनेक्शन जो है ना, रियल लाइफ कनेक्शन, वो नहीं बना पा रहे हैं लोग। तो वो ज़रूरी है, एज वेल एज साइकोलॉजिकली खुद को इम्प्रूव करो, सोशली खुद को इम्प्रूव करो, फाइनेंशियली खुद को इम्प्रूव करो, फिजिकली खुद को इम्प्रूव करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब बात करते हैं यार इनर वैल्यूज़ के बारे में। इनर वैल्यूज़ में क्या है कि यार आपके अंदर की चीज़ें हैं, जैसे कि आपका आपकी हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, जो अंदर आपको आपके अंदर काइंडनेस है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में। कि आप खुशी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप खुश नहीं हो लाइफ में, एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर नॉट स्माइलिंग, इवन यू आर वर्किंग वेरी हार्ड इन योर लाइफ, कुछ भी मतलब नहीं बनता है। अगर मान लो मैं दिन भर गधे की तरह काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी फाड़ के मेहनत कर रहा हूँ, फिर रात को मैं खुश नहीं हूँ, रात को मैं हंस नहीं रहा हूँ, रात को मेरी ऐसी हालत है कि मतलब मेरा मुंह फुला हुआ है, मैं गुस्से में हूँ, मैं अजीब सा फील कर रहा हूँ, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। सो आप हंसना स्टार्ट करो, मुस्कुराना स्टार्ट करो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो, बी हैप्पी विद योर लाइफ, चाहे जैसी भी कंडीशन है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो डोंट थिंक अबाउट कि यार सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, और सबकी लाइफ में ना कंपेयर करना खुद को बंद करो। जैसे आप कंपेयर करते हो, चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे सेलेब्स हैं, चाहे कोई भी है, आपको लगता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट है, आप उनके इंस्टाग्राम फोटोज़ को देखते हो, उनकी वीडियोज़ को देखते हो, फिर आपको लगता है कि वही लोग हैं जिनकी लाइफ में मतलब इंजॉय कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम्स सबकी लाइफ में है, प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है, आपकी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबके लगे हुए हैं। तो उसमें मत ये कह सकते हो कि आप यार कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों है, मेरी किस्मत ऐसे लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, यू हैव टू बी पेशेंट, या आप पेशेंस रखना स्टार्ट करो, क्योंकि हमें से बहुत सारे लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। टाइम लगता है मेरे दोस्त, हम अंबानी बिरला टाटा के लड़के नहीं है कि मतलब बाप के पैसे हैं और ऐश किया और फिर
रॉक कर दिया हमने, नहीं हमें खुद से मेहनत करना पड़ेगा, बाप ने जितना करना था उतना कर दिया, बाप ने कॉलेज कराना था करा दिया, अब हमारी बारी है, अब हम कुछ कर सकते हैं। एज वेल एज काइंडनेस रखो, आप किसी को जज करना, जज मत करो, जज करना सही नहीं है, क्योंकि आप किसी की प्रॉब्लम को नहीं जानते हो कि वो अपनी लाइफ में कैसा फील कर रहा है या फिर उसे कैसा महसूस हो रहा है। सो इम्प्रूव योर सेल्फ, दूसरों को जज करना बंद करो, हंसो मुस्कुराओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। और एट दी एंड खुद की नज़र में आपकी वैल्यू होनी चाहिए, खुद की नज़र में आपकी वैल्यू होना चाहिए, दैट यू आर अ किंग। लोगों की नज़र में वैल्यू मत रखो। अगर लोगों की नज़र में आप ये लेके चलते हो कि मुझे फील कराना है कि लोगों को कि लोग मेरी वैल्यू करें या फिर लोग मेरी अहमियत को समझें, नो। अगर आप खुद की वैल्यू को नहीं समझते हो, अगर आप खुद की अहमियत को नहीं समझते हो, लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं समझने वाले हैं आपको, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अ डैम अबाउट यू कि आप कौन हो कौन नहीं हो क्या करते हो, मतलब नहीं रहेगा। इफ़ यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, इफ़ यू आर कूल विद योर लाइफ कि यार लाइफ चल रही है मेरी, आई एम वर्किंग हार्ड, द पीपल आर गोना लव यू, द पीपल आर गोना एन्जॉय योर कंपनी। बस डू दिस थिंग, बस इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्त, पीस।